विधानसभा 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वहीं बयानबाजियों का दौर भी शुरू है। जहां उज्जैन से विधायक पारस जैन का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा उम्र दराज जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए। तो अब चलिए हम जुड़ते हैं कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान से और जानते हैं क्या है उनका कहना। नूरी जी, मिशन 2023 को लेकर बीजेपी और दोनों ही पार्टियां तैयार नजर आ रही हैं। जहां टिकटों को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है, वहीं धार्मिक नगरी उज्जैन से बीजेपी विधायक पारस जैन ने बड़ा बयान देते हुए उम्रदराज जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देने की बात कही है, कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंतर्गत मामला है कि वो जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है या नहीं देती है, या फिर सरकार न बनाए तो विस्तृत कर बना लेती है जी। तो ये इनका आंतरिक मामला है, संविधान को, लोकतंत्र को ऐसे भी ये मान रही है। लेकिन जहाँ एक तरफ कांग्रेस इस बात को कह रही है कि युवाओं को मौका मिले, कांग्रेस ने ओबीसी, अल्पसंख्यक, दलित और इन सारे समाजों को, की महिलाओं को, इन सारे समाजों को संगठन में 50% हिस्सेदारी लेने की बात कही है जी, अधिवेशन में, रायपुर के अधिवेशन में। तो हम युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और भाजपा अगर ये कहती है कि उनके 70-80 साल के पुराने बुजुर्ग अगर चुनाव जीत सकते हैं तो उनको दिया जाए, तो ये भाजपा के अपने खुद के मापदंड है जो वो तय करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम पारस जैन जी उज्जैन उत्तर के विधायक हैं, तो ऐसा विधायक हो जो घूम फिर सके, जनता के बीच जा सके, सक्रिय हो, जिसकी उम्र भी कम हो, तो लोगों में भी उत्साह बना रहेगा। देखिए, इसका मतलब है कि कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान अलग आता है, पारस जैन जी का अलग आता है, तो ये इसे मतभेद कहेंगे जी। भाजपा की अपनी ही इंटरनल पॉलिटिक्स में ये मतभेद चल रहा है, जहाँ ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और मध्य प्रदेश का चुनाव क्रम है, मुझे तो ये लगता है कि ये किसी को भी टिकट दें, जिस तरीके देश में जहाँ सरकार नहीं बनती है वहाँ सरकार गिरा देते हैं, जहाँ पर नहीं बना पाते हैं विधायक खरीद लेते हैं। तो ये इनके लिए मापदंड की कोई बड़ी बात नहीं है, युवा को दें या बुजुर्ग को दें, क्योंकि देश के लोकतंत्र को लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि ये किसी को भी दें टिकट, लेकिन जैसे लाडली बहना नाम काम करने वाले हैं, ऐसी योजनाएं जहाँ पर करोड़ों का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है, जहाँ सरकार के पास पैसा ही नहीं है, और वो महिलाओं को, बहनों को पैसे देने की बात कर रही है। तो हम चाहेंगे कि टिकट किसी को भी दें, लेकिन छलावा इस प्रदेश की जनता प्यारी बहनों के साथ न करें। देखिए, पारस जी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं जी, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं जी, हमारा प्रदेश संगठन, केंद्रीय संगठन मिलकर जब किसी बात को तय करता है जी, निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन हमारा संगठन करता है जी। जो नीचे से नाम निकल के आते हैं, वार्ड से, बूथ से, वार्ड वार्ड से, मंडल मंडल से, जिला जिले से, प्रदेश प्रदेश से, केंद्रीय नेतृत्व तक जो नाम निकल के आते हैं, उसका सामूहिक निर्णय करके पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने उनके हिसाब से दायित्व देती है। लेकिन निश्चित ही आप देख रहे हैं, माननीय पारस जैन जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने हम जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, तो निश्चित ही जब वो कोई बात बोलते हैं तो पार्टी के हित में, आने वाला जो समय है वो युवाओं का है, युवाओं को पार्टी मौका देती है। अभी भी आप जब विधायकों की गिनती करेंगे तो युवा चेहरे ही आपको उसमें दिखेंगे जी। और आने वाले समय में जैसा माननीय कैलाश जी ने कहा है, उसको भी उस विषय पर भी निश्चित रूप से सब नेता और पार्टी के जब वरिष्ठ लोग, नीति निर्णायक हैं, वो सब बैठते हैं तो उन सब चीजों को तय करते हैं। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करना है जी। एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं वो, टुकड़ा टुकड़ा गैंग से ग्रसित लोग हैं और उनके धड़े तो बटे हुए हैं। आपने इतने समय से जीतू पटवारी का अलग बयान, सज्जन वर्मा का अलग बयान, कांतिलाल भूरिया का अलग बयान, सुरेश पचौरी जी का अलग बयान, राहुल अजय सिंह राहुल जी का अलग बयान, दिग्विजय सिंह जी का अलग बयान, कमलनाथ जी का अलग बयान, तो ये गुटों में और कबीलों में बटे हुए लोग हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे, किया कुछ नहीं इन्होंने 15 महीने में। जब आप वचन पूरा नहीं कर सकते हो, गंगा जल लेके कसम जो खाते हो वो पूरी नहीं करते हो, तो किस आधार पे जनता के बीच में ये जाएंगे? इनके पास कोई आधार नहीं है। जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और आने वाले समय में 23-24 में आप देखेंगे
भारी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 24 में भी परचम फहराएंगे और आना कांग्रेस सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देख सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।